नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 पैनी शेयर के बारे में जिससे ऑपरेटर्स ने करोड़ों कमाए। दोस्तों पैनी शेयर्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स के खेल चलते हैं, दो चार ऑपरेटर्स होते हैं। एक मतलब आपको यहां पर काफ़ी ज़्यादा बाय करेगा उसमें अपर सर्किट लग जाएगा, फिर आप बाय नहीं कर पाएंगे। जब वो सेल करने लगेगा तो आप फिर बाय करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स का यहाँ पर चलता है गेम। इस ऑपरेटर के गेम में जब आप हायर लेवल पर ट्रैप हो जाते हैं तो फिर आपका कैपिटल जो पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पा जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कौन से पैनी शेयर, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह के पैनी शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए और कितना करनी चाहिए। ये हम कई बार वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे। तो पहले 12 पैनी शेयर्स देख लेते हैं जिससे ऑपरेटर्स ने करोड़ों कमाए हैं। आपने कमाया या नहीं, लेकिन ऑपरेटर्स ने इस स्टॉक से करोड़ों कमाए हैं। तो दोस्तों पहला है रिलायंस कम्युनिकेशन का है कि बहुत सारे अब जो है रिटेल इन्वेस्टर, जब ये 3 रुपीज से एवर चला गया तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को का माइंडसेट आ चुका है, अब इसे रिलायंस बाय करने वाली है, मुकेश अंबानी बाय करने वाले, खरीदने वाले हैं, इसलिए इसमें तेजी है। दोस्तों वैसा कुछ नहीं है, इसे का एसर्ट बाय करेगा मुकेश अंबानी, ना कि इस कंपनी को बाय करने जा रही है। अगर वो बाय करेंगे तो आपका क्या बेनिफिट्स होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। उससे पहले ये कितने बार स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कितने बार नीचे जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब बाय कर लेंगे तब आप इन्वेस्ट करेंगे, तब तो आपको बेनिफिट्स होगा रिलायंस के नाम पर। तो ये रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि पूरी तरह से डेब्ट में डूबी हुई कंपनी है, और इससे देख सकते हैं ऑपरेटर्स ने कितने कमा चुके हैं, देख सकते हैं 371% का रिटर्न। और जैसे आपका इंटरेस्ट जाएगा अब लोअर सर्किट, अब आप यहां पर अगर आपने 3 रुपीज के ऊपर बाय किया था आप इससे निकल ही नहीं पाएंगे, एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे। और एक साल से ये बात चल रहा है कब रिलायंस बाय करेगा पता नहीं, तब तक में आपका कैपिटल इसमें फंसा हुआ है। तो इन सब स्टॉक से अभी तत्काल दूर रहें। वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि अगर इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस पर करना चाहिए और कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला है हमारा बिरला टायर्स। बिरला टायर्स दोस्तों ये 53 रुपीज, मतलब 50 रुपीज से भी ज़्यादा जा चुका था ये स्टॉक्स, 50 रुपीज से वैभव चला गया। और उसके बाद देख सकते हैं लगातार इसमें लोअर सर्किट, उसके बाद यहाँ एक मंथ का चार्ट देखिए तो लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट, यहाँ पर सर्किट थोड़ा सा ओपन हुआ, यहाँ पर सर्किट जैसे ओपन हुआ तो सर्किट ओपन हुआ तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन फिर से देखें लोअर सर्किट। तो बहुत बड़ा गेम चलता है इसमें, ऑपरेटर जो है इसमें उतना लिक्विडिटी नहीं रहती, लिक्विडिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेयर नहीं रहते और काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती। जो निफ्टी 50 शेयर है जैसे रिलायंस हो गया, HUL हो गया, इन सब में उतना कैपिटल ही किसी के पास नहीं कि उस स्टॉक को मूवमेंट करा सके। अगर उस स्टॉक को मूवमेंट भी कोई कराता है तो 1-2 दिन करा पाएगा, उसके बाद उसका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे स्टॉक को वो मूवमेंट कराते हैं। आप देखिए इसमें रिटर्न कितना मिला उनको, 1700% रिटर्न। दोस्तों इसके लिए लोगों को 5-5 साल तक स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है, वो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक के। तो वो यहाँ पर अपना काम कर गए और आप जब 53 रुपीज़ पर चला गया तो आप सोचे ये स्टॉक्स तो अब 100 जाएगा, ये 500 जाएगा, इसमें तो पूरी तेजी है। आप इस कंपनी का सही से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे वो भी नहीं निकलेगा, और आप इसमें इन्वेस्ट किए बस ये लोअर सर्किट लगाना शुरू। ऑपरेटर तो कमा लिया, ऑपरेटर जब आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ऑपरेटर सेल करना शुरू करेगा, जब वो पूरा माल सेल हो जाएगा प्राइस पर चला गया, ऑपरेटर का सेल क्या हुआ हो गया, तो अब आप सेल करेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लेते तो वहाँ कोई बाय करने वाला आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो फिर इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। अब आप किसे बेचेंगे, वहाँ कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो इस तरह का ऑपरेटर का गेम होता है। तो देख लिया आप, दूसरा ये स्टॉक है जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री, इसका कई बार हम वीडियो बना चुके हैं, काफ़ी मतलब इसमें ऑपरेटर्स ने काफ़ी ज़्यादा कमाए हैं और ये इस स्टॉक से आप भी कमा सकते हैं अगर इसका बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगर रिलायंस इसका रिजल्ट ले आता और रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है तो आपने अगर लोअर लेवल पर इन्वेस्ट किया है तो कभी आप सेल नहीं करें, लोअर लेवल पर आपने बाय किया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हाई लेवल पर कर सकते हैं। इसका मुख्य रूप से रिजल्ट का इंतजार करना, अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो निश्चित है ये स्टॉक आपको अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दे सकता है। तो ये थोड़ा अलग सा पैन स्टॉक है। तो लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं जान जाते कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही है या नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है, तो सारी चीज़ जानना बहुत जरूरी है। अर्निंग पर शेयर क्या है, तो हर चीज़ जानना बहुत ही बहुत आवश्यक है। अब ये देख सकते हैं कंपनी फिर से अपर सर्किट में है, कई 2-3 दिन से पीछे। उसके बाद अगला है हमारा विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड, इसका भी देख लीजिए आप चार्ट।
तो ये भी देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट, यहाँ से 95 पैसा से लगातार अपर सर्किट 926% का रिटर्न, 9 टाइम्स इससे कमा चुका है ऑपरेटर, 9 टाइम्स। अब वो धीरे धीरे माल सेल करेगा, आप यहाँ पर बाय करेंगे कि ये तो 100 रुपीज़ जाएगा, ये तो स्टॉक 100 रुपीज़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है इसमें। कंपनी के फंडामेंटल्स को आप चेक ही नहीं करेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कैसा रिजल्ट है कंपनी का, कैसा बिजनेस में ग्रोथ है, तो बिना उस सब चीज़ को चेक किए हुए आपको बाय नहीं करनी चाहिए। कई बार हमने वीडियो बनाया, पीछे भी एक वीडियो मैंने डाला, एक पैनी शेयर जो है 8 रुपये का शेयर, 7 रुपये का पैनी शेयर, वो 388 रुपीज़ तक जा चुका है और अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना चुका है। तो वैसे स्टॉक आप कब खोजेंगे, जब उसके फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे। तो पैनी स्टॉक में भी निवेश करते हैं तो उसका फंडामेंटल आपको खोजना है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंपनी लगातार ग्रो कर रही हो, कंपनी का प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा हो, बिजनेस इंक्रीज हो रहा हो, मैनेजमेंट एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब क्वालिटी वाला मैनेजमेंट हो, तो इन सब बात को चेक करना है। उसके बाद अगला है रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या करती है, रुचि सोया जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। तो जैसे जैसे रुचि सोया में अपर सर्टिफिकेट देखने मिला, उसी तरह से रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको देखने मिला, जैसे उसमें लोअर सर्किट, इसमें भी लोअर सर्किट देखते हैं, ये डायरेक्ट रुचि सोया के साथ साथ चला। तो ये भी स्टॉक्स मात्र 1 रुपी देखते हैं, 2 रुपीज़ से भी नीचे का हुआ करता था, और ये स्टॉक्स भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया ऑपरेटर्स को, आपको हमें नहीं दिया, ऑपरेटर्स को बेहतरीन रिटर्न दिया, 1000% का रिटर्न, मतलब अपने कैपिटल को वो 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर लिया, और यहाँ से लोअर सर्किट अब लग रहा है। अब आप हायर प्राइस पर बाय किए हैं तो अब आप इंतज़ार करते रहिए कि कब आएगा, कब आप इसे एग्जिट करेंगे। हम 12 स्टॉक बता रहे हैं जिसमें ऑपरेटर ने भरपूर कमाया है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला है हमारा MC लियोड रसेल इंडिया लिमिटेड। इसमें देखिएगा तो इसका रिटर्न कितना है, 600% का, तो ये भी काफ़ी, मतलब 600% काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। अगला है हमारा बालापुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी मतलब आप समझिए ऑपरेटर्स, इसमें भी काफ़ी बेहतरीन कमाया है। इसमें देखिएगा तो रिटर्न आप देख लीजिए, मात्र 40 पैसा हुआ करता था और ये स्टॉक्स जा चुका है 2 रुपया 30 पैसा, और इसमें 475% का रिटर्न मिल चुका है ऑपरेटर को, 475% का रिटर्न इसमें मिला है ऑपरेटर को। देखते हैं लगातार अपर सर्किट में है ये स्टॉक्स। उसके बाद अगला है हमारा विकास इकोटेक लिमिटेड। तो ये इस स्टॉक का देख लीजिए, इस स्टॉक में जहां से अपर सर्किट स्टार्ट हुआ है तो ये हुआ है 557% का रिटर्न। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, ये स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा एग्जिट होने का मौका भी दिया, और सब स्टॉक्स तो लगातार अपर सर्किट में ट्रेंड में चलते गया। स्टील पेस्ट इंडिया लिमिटेड, इसी स्टॉक पे हमने वीडियो बनाया था कि ये एक पैनी शेयर है जिसने इन्वेस्टर को और ऑपरेटर को इतना मालामाल किया जितना कि आप किसी भी पैनी स्टॉक के बारे में नहीं सुने होंगे। आप देख लीजिए इस स्टॉक का, देखिए कितना, 7 रुपीज देख सकते हैं, 2014 में 7 रुपीज, 15 में भी वही 7 रुपीज, 8 रुपीज का था, और अभी देखिए 388 रुपीज। इसमें जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि इस स्टॉक का मैंने पूरा फंडामेंटल आपका बताया कि इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही थी। तो ऐसे ही स्टॉक आपको खोजने हैं जैसा ये स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और इन्वेस्ट यहाँ पर किया, और जो भी 5 साल तक इन्वेस्ट रहा, जो भी अच्छे क्वांटिटी में किया, ये आपके 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को बना दिया 5,65,000। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न, अगर आप 2015 में इन्वेस्ट किए रहते तो ये आपके रुपया को कितना बना दिया, 10,000 रुपया को 5,65,000। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उससे भी ज़्यादा, हमने तो थोड़ा सा कम भी कह दिया, ये काफी ज्यादा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो ऐसे ही स्टॉक आपको ढूंढने हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है 11वें नंबर पे हमारा भारत इम्यूनोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कॉप्स लिमिटेड। ये भी देख लीजिए आप 6 महीने में, तो ये भी 6 महीने में मालामाल किया है ऑपरेटर और इन्वेस्टर दोनों को, 449% का रिटर्न। तो ये तो फार्मा सेक्टर से है, फार्मा सेक्टर में काफी तेजी देखने मिला है पीछे कई महीनों से। उसके बाद अगला हमारा फिर ये देखते हैं ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन मतलब ऑपरेटर्स का स्टॉक। यहाँ पर देख लीजिए 6 मंथ में, तो ये भी यहाँ पर हाई बनाने के बाद लगातार फिर से लोअर सर्किट में, इसका रिटर्न देखिए तो आप 1146% का रिटर्न। दोस्तों 10-10 साल तक स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है इतना रिटर्न के लिए, यहाँ 2 महीने में ऑपरेटर्स इतना रिटर्न कमाते हैं। और फिर देख लीजिए लोअर सर्किट, जब यहाँ पर आएगा इसके आसपास, लोअर प्राइस के आसपास, तब आपको एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ पर तब फिर से ऑपरेटर एंट्री करेगा। तो यही है आपका विजन कि जब ये अपने लोअर प्राइस के आसपास आ जाए तब आपको एंट्री लेना है। जैसे जैसे ये हायर प्राइस के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप जैसे गया
यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए 10% स्टेक सेल, फिर और गया 10%, फिर गया 10%, फिर गया 10%। अगर यहाँ पर आप फंस भी गए लोअर सर्किट में तो आपके पास वही 10% हिस्सा बचेगा, 20% बचेगा। आपने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया तो अगले बार फिर से ये कभी अपर सर्किट में आता है तो फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए पैनी स्टॉक्स में। और इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए आपका, जो टोटल कैपिटल है उसका 1%, और वो 1% 4-5 पैनी स्टॉक्स में डिवाइड होनी चाहिए। कौन से पैनी स्टॉक? जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पैनी स्टॉक्स है उसमें आप इन्वेस्ट करें, और उसमें आप जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें जो है आप सेल करते जाएं, जैसे 10% कर दे, 20% के अंतिम में जो 20% बचेगा वो इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर प्राइस लगातार ग्रो होते जा रहा है तब आप इन्वेस्टेड हैं, तब सेल नहीं करना। अगर लगता है प्राइस अपना ट्रेंड बदलेगा तो आप उसमें कंप्लीट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस का ट्रेंड बना रहा तो आप उसमें 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, 60% करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 80% करेंगे, 20% इन्वेस्टेड रहेंगे, ताकि वो एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न अगर देता है तो आपको भी एक मल्टी बैगर, ह्यूज मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पैनी स्टॉक में। सबसे पहले तो आपको सारे जो पैनी स्टॉक है, 12 पैनी स्टॉक बचा है, एक तो मल्टी बैगर बन चुका, 11 बचा आपके पास, 11 में से आपको 4-5 जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो पैनी स्टॉक, उसको आपको ढूंढना है, सारे के फंडामेंटल एनालिसिस करना है आपको। तो ये होगा पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटेजी। अगर आप चाहें कि हम स्टॉक मार्केट से सुरक्षित रूप से कमाना चाहते हैं, हम पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो काफ़ी बेहतरीन आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करें, काफ़ी सुरक्षित रहेंगे, एकदम पूरी तरह से आप आराम से सो सकेंगे, आपको भरपूर नींद आएगी, आप एकदम निर्भय रहेंगे कि आपका रुपया जो है, आपका जो कैपिटल है पूरी तरह से सुरक्षित है स्टॉक मार्केट में, जब आप ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में आपको हमेशा डर रहेगा आपका कैपिटल, चाहे 1000 ही हो, 500 रुपीज ही हो, लेकिन आपका कैपिटल सुरक्षित नहीं है पैनी स्टॉक में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।